जैसे आप लोग वेबसाइट जो है यूनिवर्सिटी की सर्च करते हो तो कैसे करते हो, www.fuuast.edu.pk, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये जो है वेब एड्रेस है, दिस इज अ यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। तो उसके आगे जो भी पेज होते हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होता है दे विल एक्सप्लेन कि आप किस पेज पे हैं वेबसाइट के। जैसे आप स्टूडेंट पोर्टल से आप लोगों ने फीस वाउचर जनरेट किए होंगे तो आपके यहाँ edu.pk के बाद बैक स्लैश के बाद यहाँ लिखा हुआ होगा स्टूडेंट पोर्टल। तो ये जो एड्रेस होता है ना इस तरह का, जो वेबसाइट का आप लिखते हैं जब सर्च कर रहे हो, तो दिस इज अ यूआरएल ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट के जो यूआरएल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, देयर इज अ प्रोटोकॉल, देयर डोमेन नेम और देयर फाइल और अ पेज टू गेट। पेज टू गेट मीन्स किस पेज पे आप जाना चाह रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि यूआरएल कंटेन्स थ्री पार्ट, द फर्स्ट वन इज प्रोटोकॉल, द सेकेंड वन इज डोमेन नेम, डोमेन नेम बेसिकली जो आप जिसके लिए वो वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, और द थर्ड वन इज फाइल और पेजेस टू गेट, ठीक। तो इट स्पेसिफाइज वेयर आर नोन रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिट्रीविंग इट, कि आप किस पेज को कैसे अचीव कर सकते हो। ये बेसिकली कहाँ रखा हुआ होता है, आपके इंटरनेट पे लिखा हुआ होता है, मतलब आपके यूआरएल पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है बेटा, हाइपरलिंक इज एन एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट लिंक्स अनदर प्लेस इन दिस सेम डॉक्यूमेंट और एन एंटिटी विद डिफरेंट डॉक्यूमेंट। तो जो यू हाइपर लिंक होता है ना बेटा, हाइपर लिंक का मतलब ये होता है कि एक जगह आप क्लिक करें तो दूसरी जगह पहुंच जाए। जैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं और किसी एक पेज पे हो और किसी और टैब पे, जैसे होम होता है, होम से आप किसी दूसरे पेज पे जाना चाह रहे हैं कॉन्टेक्ट पेज पे, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, ये आपको बताएंगी कि आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो दैट इज योर हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक का काम क्या होता है बेटा, कि ये एक जगह रहते हुए जब आप क्लिक करके दूसरी जगह जाना चाह रहे होते हैं तो ये इसमें आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है बेटा। तो जैसे ये बना हुआ है आप इसको देखें, तो ये जो लिखा है ना क्लिक हेयर, तो यहाँ आप जब क्लिक करते हैं तो ये आपको किसी और पेज पे ले जाता है, ये बेसिकली दिस इज अ हाइपर लिंक एग्जाम्पल, ठीक है। तो या ये निशान बना हुआ होता है, या क्लिक हेयर आ रहा होता है, या ये हैंड बना हुआ होता है, दीज ऑल थ्री गेस्टर्स आर द हाइपर लिंक आइकन्स, ठीक है। तो इससे आप हाइपर लिंक पहचानते हैं। अब आपके पास ईमेल क्या होती है, ईमेल इज बेसिकली स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। जैसे आप ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल दोनों में से नॉर्मली आप लोग ईमेल ही बोल रहे होते हो ज्यादा, तो द एब्रिवेशन ऑफ ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता है कि द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड फाइल्स वाया कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप जो है क्या करते हो बेटा, ट्रांसमिट करते हो, मीन्स सेंड करते हो कोई भी मैसेज, कोई भी फाइल अपलोड करके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर और एनी अदर पर्सन बाय यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। उसके लिए नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है, वेदर इट्स योर डेटा नेटवर्क, वेदर इट्स योर कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज अकर ही तब होता है बेटा जब आपके पास नेटवर्क होगा। इफ यू डोंट हैव एन नेटवर्क सो यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रांसमिट यूर मैसेज और अ फाइल टू समवन एल्स, ठीक है। मैसेज कैन कंसिस्ट ऑफ सिंपल टेक्स्ट और कैन कंटेन अटैचमेंट सच एज डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो क्लिप्स। इसी तरह बेटा आपको ये बता रहे हैं कि जो आप मैसेज करते हैं इन एन ई मेल, तो वो क्या कंटेन करता है, टेक्स्ट भी होता है, उसके साथ आप कोई फाइल भी अटैच कर देते हो। जैसे आप लोग बहुत सिंपल एग्जाम्पल दो, व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेजते हो और नीचे कोई चीज लिख देते हो, तो दैट्स द वे दे आर टॉकिंग अबाउट, कि मैसेज जो है वो कोई इमेज हो सकती है, वीडियो क्लिप्स होता हो सकता है, उसके साथ कोई टेक्स्ट कंटेन हो सकता है, या पीडीएफ की फाइल जो आप चीज सेंड करते हो बाय व्हाट्सएप एज अ मैसेज। तो वो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी क्या होती है बेटा, आपका मैसेज ही ट्रीट हो रहा होता है, ठीक है। सम वेबसाइट सच एज जीमेल एंड याहू प्रोवाइड फ्री ईमेल सर्विसेस। कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं बेटा, जैसे जीमेल वाले आपको फ्री अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, आउटलुक वाले आपको फ्री अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, याहू वाले आपको फ्री अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप वो ईमेल एड्रेसेस जो है वो यूज करते हो और उनको फिर उनकी सारी सर्विसेज जो है वो हम यूज करते हैं। इट्स वन ऑफ द फर्स्ट सर्विस ऑन द इंटरनेट। तो ये शुरू शुरू की बहुत ज्यादा बेसिक जो है सर्विस प्रोवाइड हुई थी तो इंटरनेट की तरफ से, तो ईमेल एड्रेस ही था कि आप ईमेल जो है वो बेसिकली द फर्स्ट सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। एन ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम। अब ईमेल होता है ना बेटा, किसी का भी ईमेल एड्रेस, जैसे आप सबका कोई ना कोई ईमेल एड्रेस होगा, वो क्या कंटेन करता है, इट मे कंटेन अ यूजर नेम एंड अ डोमेन नेम दैट आइडेंटिफाइज द यूजर। जैसे
आप लोग जब मैंने शुरू की क्लास में पढ़ाया था जो कोर्स आउटलाइन अपलोड की थी तो क्या लिखा हुआ था उसमें, साजिद डॉट मजीद दिस इज अ यूजर नेम एंड एट द रेट fuuast.edu.pk इज अ डोमेन नेम। ठीक है, तो जो डोमेन नेम होता है वो नॉर्मली आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेम होता है, या आप लोगों का होगा तो वो आपके जीमेल होगा या याहू होगा या हॉटमेल होगा। तो ये जो डोमेन नेम होता है इट्स बेसिकली रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन नेम थ्रू विच यू कैन यूज दिस सर्विस। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका नाम या आपने किसी भी उससे आईडी बनाई हुई है तो वो जो है आपका यूजर नेम कहला रहा होता है। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक किसी को कोई इशू कोई चीज नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ। सर हाँ डोमेन जी बेटा नेम का बोला, दोबारा बताएगा, किसका डोमेन का दोबारा बताएगा। डोमेन? बेटा डोमेन बेसिकली रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन नेम। जैसे आप लोग लिखते हैं ना कि आयशा एट द रेट gmail.com, तो जो एट gmail.com है ना जीमेल, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन नेम है। जो एट द रेट के बाद लिखी हुई होती है ना चीज, वो नॉर्मली आपकी डोमेन नेम होती है। सबसे आसान चीज ये है, जो लेफ्ट पार्ट होता है एट द रेट का वो यूजर नेम होता है, और जो राइट पार्ट होता है आपके ईमेल का वो नॉर्मली डोमेन नेम होता है। क्लियर है ये चीज अब? ठीक है, तो हाउ ईमेल सर वर्क्स। ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है? ईमेल बेटा ईमेल है, जीमेल इज अ सर्विस व्हिच प्रोवाइड्स टू सेंड यू एन ईमेल। जीमेल बेसिकली सर्विस है जो आपको ईमेल करने की सहूलत देता है, और ईमेल बेसिकली मैसेज होता है जो आप सेंड करते हैं, जैसे खत होता था ना पुराने जमाने में, वैसे ईमेल है, ये समझ लो आप। तो हाउ ईमेल सिस्टम वर्क्स, कैसे ईमेल सिस्टम वर्क करता है, आप ईमेल करते हो तो कैसे करते हो वो सिखा रहे हैं। स्टेप वन क्या होता है, यूजिंग ईमेल सॉफ्टवेयर यू क्रिएट एंड सेंड मैसेज। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, योर सॉफ्टवेयर कॉन्टेक्ट सॉफ्टवेयर ऑन द आउटगोइंग मेल सर्वर, तो वो उस आउटगोइंग मेल सर्वर से बात करता है। देन आउटगोइंग सॉफ्टवेयर डिटरमाइंस बेस्ट रूट्स फॉर सेंड डेटा एंड सेंड मैसेज विच ट्रेवल अलॉन्ग द इंटरनेट रूट्स टू रेसिपेंट इनकमिंग मेल सर्विस सर्वर्स। देन व्हेन रेसिपेंट यूजेस ईमेल सॉफ्टवेयर टू चेक ईमेल द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम इनकमिंग मेल टू सर्वर रेसिपेंट्स। तो होता है क्या बेटा, ये कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन किया है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल एलिस जो है वो बॉब को ईमेल करना चाह रही है। ठीक है, तो एलिस ने मैसेज लिखा टू बॉब फ्रॉम एलिस। ठीक है, डेयर बॉब, कोई भी मैसेज है उसने भेजा जो है वो। सेकेंड चीज क्या थी, योर आउटगोइंग मेल सर्वर, तो ये जो SMTP है ये आपका आउटगोइंग मेल सर्वर है। फिर ये इंटरनेट पे जाता है, फिर वो इंटरनेट पे बेस्ट पॉसिबल रूट ढूंढता है कि इधर भेजूं या इधर भेजूं। तो देन जो है वो जो सबसे फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट होता है ऑन एन इंटरनेट, वो उसे सेलेक्ट करता है, और फिर वो ईमेल जाती है उस बंदे के इनबॉक्स में, इनबॉक्स सर्वर में। अब वो इनबॉक्स मेल सर्वर में जैसे ही वो मेल जाती है तो वो उसे पर्सन जो है वो इनबॉक्स में मेल देखता है और उसको पढ़ता है। इस तरह जो है बेटा ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है ये चीज? यहां तक कोई मसला है किसी का? यस सर। अदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, और कौन कौन से ऑनलाइन कम्युनिकेशन के टूल हैं? अभी तो हम सिर्फ ईमेल की बात कर रहे थे, तो आप अभी जो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टूल्स हैं उनमें आपके पास ब्लॉगिंग है, आपका स्काइप है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, ये तो नॉर्मली जूम इज अ टाइप ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आपकी, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है ना बेटा वो सब की सब मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। आपका फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, फ्लिकर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये सब के सब बेटा ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स हैं। इनके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, मीन्स मैसेज ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे। ठीक है, जो दूसरे अनदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन है वो क्या, सर्च वेबसाइट हेल्प्स टू वेब पेजेस कंटेनिंग इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल google.com, आप google.com पे जाके आपको कुछ भी सर्च करना है बेटा, कोई किसी भी टॉपिक के बारे में सर्च करना है, किसी भी चीज के बारे में सर्च करना है, यू सिंपली गो टू द गूगल एंड टाइप अ कीवर्ड, कोई भी वर्ड टाइप करते हैं और जो है फिर उसके अगेंस्ट में आपको जो भी चीजें हैं वो नजर आना शुरू हो जाती हैं जो डिटेल्ड हैं। तो एफिशिएंट सर्च इंजन है, कोड द एक्सट्रैक्ट फेस, जो चीज आप लिखते हो उसी का एग्जैक्ट रिजल्ट लेके आता है यूजिंग द कीवर्ड एंड और नियर। तो आप अगर अच्छा सर्च करने के भी ना मेथड्स होते हैं,
जैसे आप लोग कभी कभी सर्च करते हो तो गूगल सही तरह आंसर नहीं कर रहा होता, वो वजह ही होती है बेटा कि आप लोग जब उसे सर्च करते हो ना, आप लोग नॉर्मल वे में सर्च करते हो, बट देयर आर सो मेनी वेज टू सर्च योर पर्टिकुलर और एन एग्जैक्ट फ्रेज, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड एग्जैक्ट आंसर आ रहे हो, वरना क्या होता है सारी चीजें उठ के आ जाती हैं। तो वो जो सारी चीजें उठ के आना है उसको कैसे रोकते हैं बेटा, तो इन कंप्यूटर साइंस देयर आर सो मेनी वेज टू सर्च डेड थिंग्स। या तो आप पूरा का पूरा कैपिटल बोल्ड में लिख दो तो भी उसे पता चल जाता है कि दे आर फोकस टूवर्ड्स डेट, या आप एंड और नेयर के कीवर्ड्स यूज करो, या आप एस्टेरिक साइन यूज करो, और नॉर्मली कॉमन वर्ड्स के बजाय जो है आप वो पूरी फ्रेज लिखो। तो इस तरह जो है बेटा वो आपको हेल्प आउट करता है और आपको चीजें जल्दी ढूंढ के ला के देता है एज कम्पेयर टू योर सिंपलेस्ट सर्च। ठीक है, तो इफ यू यूज अ कीवर्ड्स इन एन phrase which you want to search and or near, or you use a asterisk sign before typing anything, or avoid common words. Common words yehi hai beta ki matlab baat usko clear karke likhe thodi. Use the sites and advanced tools. To normally aapki ye cheeze bhi jo hai wo aapko help out. Sir, hame kaise search karna chahiye ki hamara computer hame sahi se jawab nahi de raha hota? To beta wahi to cheeze batayi hain. You can use a bold text or a capitalized text, या फिर आप plus का sign बीच में use करो, ठीक है, लिखते हुए plus का sign use करें, and लिखें या और लिखें या near लिखें, तो इस तरह वो focus towards रहता है आपके search के जो चीज जो topic आप search करने जा रहे हो, वरना वो इधर उधर चला जाता है। ठीक है, तो that's all from the इंटरनेट और WWE स्लाइड्स। तो ये कुछ था इसमें, इसमें किसी ने कुछ पूछना है बेटा तो मुझे बताएं आप लोग। नो सर, ये क्लियर है सर। ठीक है, इसीलिए मैंने आज ये सारी बातें की थी, ये वाली।